मुझे बखान हुए बागी बोले कांग्रेस मुस्लिम के साथ नहीं लड़ेंगे चुनाव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मोदी व शिवराज ने मध्य प्रदेश सरकार को कर्ज में डुबाया। विंध्य में रीवा विधानसभा रीवा में महापौर के प्रत्याशी रहे डॉक्टर मुजीब खान ने कांग्रेस से बगावत का बिगुल फूंक दिया। रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुस्लिम समाज कांग्रेस के साथ है, लेकिन कांग्रेस मुस्लिम समाज के साथ नहीं है। यही कारण है कि वर्तमान में कांग्रेस की कार्यकारिणी में मुस्लिम समाज के लोगों को जगह नहीं मिली है। वहीं कांग्रेस रीवा विधानसभा से लगभग उन्हें टिकट भी नहीं दे रही है। बावजूद वे अपने समाज के लोगों से चर्चा करने के उपरांत विधानसभा चुनाव में लड़ने का निर्णय लेंगे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व महासचिव रहे डॉक्टर मुजीब खान ने कहा कि रीवा विधानसभा में कांग्रेस ने वर्ष 2013 में उन्हें टिकट दिया था। इसमें मैंने ईमानदारी पूर्वक मेहनत की। इस दौरान विंध्य में 15 सीट कांग्रेस को मिली थी। इसके बाद वर्ष 2018 में हमें टिकट नहीं मिली तो रीवा से 8 सीट कांग्रेस हार गई। वहीं टिकट वितरण में जिनको जवाबदारी मिली है वे स्वयं चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में जिस आधार पर उन्हें कांग्रेस टिकट दे रही है उसी आधार पर कांग्रेस हमें टिकट नहीं दे रही है। ऐसा सिर्फ हमें मुस्लिम होने के साथ हो रहा है। शिवराज सरकार ने 18 साल में दिए 230 घोटाले। इस दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने G20 में 990 करोड़ रुपए का बजट था, बावजूद मोदी सरकार ने 2024 को देखते हुए 4100 करोड़ रुपए का खर्च कर डाले। वहीं शिवराज सरकार में 18 सालों में 230 घोटाले हुए हैं। साथ ही प्रदेश पर 3.25 लाख करोड़ का कर्ज लाद दिया है जिसकी मार आम जनता को उठानी पड़ेगी। वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने 155 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार बना दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा के विरुद्ध जनता चुनाव लड़ रही है, ऐसे में भाजपा 100 सीट पर ही सिमट जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान की आय घटी है। प्रदेश की शिवराज सरकार में 38 लाख किसान डिफॉल्टर हैं। वहीं जो किसान की आय जहां वर्ष 2016 में 9,740 रुपए थी वहीं अब घटकर 8,339 रुपए हो गई है। तैयारी के लिए कुछ लोग को कह दिया गया है क्या? कहे हैं कुछ लोग, कह दिए कि आप करें तैयारी। हमको ये कहा, साफ कह दिया कि नहीं देंगे टिकट, ये कह दिया हमको साफ। कहा आपको साफ कह दिया, आपको अगर पता चल गया तो फिर अगला स्टेप क्या है, छोड़ेंगे पार्टी? हाँ, अब देखते हैं, वो भी तय करेंगे। कांग्रेस से तलाक ले लें? हैं, कांग्रेस से तलाक ले लें? नहीं, तलाक क्या लेंगे, वो खुदे छोड़ रहे हैं हमको। हाँ, खुदे छोड़ रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि हमको टिकट दे, हम वही सैनिक में रहेंगे जाएंगे, है ना। ये तो बात की बात है जो कह रहे हैं अमित भाई। नहीं, आखिर ये भाई, हम एक चीज़ आप, हम सारा जीवन हम धंधे से डॉक्टर थे, वो भी छोड़ करके पूरी तरह से टाइम हम पार्टी को देते हैं। और जहाँ पार्टी आदेश करती थी मैं वहाँ जाता था, पूरे छतरपुर गया, बिजावर गया, उधर सडोल तरफ गया, कई जगह गया, जहाँ जहाँ लगा दी ड्यूटी में जाता था। लेकिन अब एकदम अचानक हमको आपने उससे लीड से हटा दिया, हमको लिख सके अब आपको हम नहीं देंगे, तो ये चुपचाप बोल देते सब लोगों से। आप जाके बोलते, यहाँ का जो सिस्टम है कांग्रेस पार्टी का, वो एक वर्ग विशेष के हाथ में, इसलिए बड़ा नुकसान हो रहा है उससे, उसको नहीं होना चाहिए। जो लोग चुनाव हारे हैं वही यार निर्णय ले रहे थे, टिकट इसको दो, उसको दो, इसको ना दो, उसको दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें जो है ऊपर से लोगों की कमेटी बननी चाहिए। विंध्य में बहुत लोग ऐसे हैं जो बड़े नेता हैं, उनको आप पूछिए नाम से, आप अजय सिंह राहुल जैसे विंध्य के नेता हैं, इनसे पूछिए आप कि भाई क्या करना है। अगर साहब अपने से बना लेंगे तो फिर रीवा तो जीरो हो गया, रीवा में तो टिकट मिलेगा नहीं किसी को भी। तो हमारा निवेदन ये है आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि मुस्लिम समाज हमेशा से कांग्रेस के साथ रहा है और कांग्रेस के साथ रहने की उसकी इच्छा है। ऐसा नहीं कि हम कांग्रेस से हटना चाहते हैं, लेकिन उनको भी तय करना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी अब मुस्लिम को कहाँ देगी कि नहीं देगी। ये इस पर, ये उस पर नतीजा, उनका रिजल्ट उनका आना है, हमारा नतीजा नहीं है। हम तो तय हैं, हम चाहते भी हैं ना कि वो हमको खुल के नहीं बोलते, बोल दे खुल के, अपना घोषित कर ले कमेटी, या करना है तो कर ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम उस पर कोई वो नहीं कहेंगे, भाई उनकी उनकी पार्टी है, उनको घोषणा करना है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमसे तो कोई पूछेगा नहीं। हाँ, लेकिन हमको ये बता दे भाई कि हम आपको नहीं दे रहे हैं, आप अपना समझिए, रहना तो रहिए, नहीं तो रहना चले, तो हम उस पर कोई निर्णय ले। अभी हमको निर्णय लेना हमको असंभव है, क्योंकि हमको रात में ही टिकट मिलती है, 12-1 बजे रात आखिरी दिन मिलती है, जब भरना पड़ता फार्म उसके एक दिन पहले मिलता है। इसलिए मैं हूँ आश्वस्त हूँ कि हमारे नेता जो हैं, हमारे मुस्लिम समाज के नेता भी लगे हैं बेचारे, बहुत लोग लगे हैं ऐसे,
जो वो प्रयास कर रहे हैं कि विद में एक टिकट मिलना चाहिए, और मिल जाएगी नहीं मिलेगी तो फिर आपको लोगों को फिर हम एक बार बुला करके हम फिर आपको ये सब बताएंगे कि क्या उसकी होगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।